लोकसभा चुनाव के चलते पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके लोगों की आशाएं सरकार के प्रति जगी हुई है। इसी को लेकर एनसीसी कैडेट्स अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में एनसीसी कैडेट्स ने राजस्थान पुलिस भर्ती में विशेष लाभ दिए जाने को लेकर अपनी बात कही है। आज अजमेर एनसीसी के सभी कैडेट्स और भूतपूर्व कैडेट्स ने मिलकर एसडीएम को और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने की सोची और सभी ने एकत्रित होकर और हम ज्ञापन देंगे। राजस्थान पुलिस की भर्ती जो 12,000 पदों पे जो आ रही है, उसके एवज में हमने ये ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि आर्मी में जिस तरह से एनसीसी कैडेट्स के सी सर्टिफिकेट वालों का पेपर माप होता है, वैसे ही राजस्थान पुलिस में पेपर माप हो, क्योंकि इसका कारण ये है कि एनसीसी करने में 3 साल लगता है। 3 साल के वक्त में हमारी 21 साल की जो लिमिटेड उम्र है आर्मी की, वो पूरी हो जाती है, और नहीं तो हमें फ़ायदा आर्मी में मिल पाता है और राजस्थान पुलिस में हमारा पेपर माप नहीं होता, इस कारण हमारी मेहनत का पूर्ण फायदा नहीं मिलता। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।